नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। कोरोना ने कहर बरपा रखा है राजधानी दिल्ली में, इसकी पूरी कवरेज हम आपको दिखाएंगे। लेकिन शुरुआत उन बच्चों की बात से जिनके हाथों में किताब कॉपी होनी थी, लेकिन कोरोना के इस वक्त में वो मेहनत मजदूरी करने को मजबूर है। मिड डे मील तक उनकी छीन ली गई है। स्कूल बंद है ना, कोरोना की वजह से खाने को कुछ नहीं है, इसलिए हम दुकान लगा रहे, दुकान लगा के रात के खा रहे। बंदी में मिला है चावल? ना, नहीं नहीं मिला है। पैसा मिला है? पैसा भी नहीं मिला। ये कोरोना के साइड इफेक्ट्स हैं। कहां तो इस मासूम को स्कूलों में होना था, लेकिन ये कपास के खेत में फूल चुन रहे हैं। इस मासूम लड़की की तरह ही तमाम बच्चे कोरोना काल में आर्थिक संकट में इसी तरह अपने परिवार वालों के साथ मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। कोरोना काल में स्कूल बंद है, इसकी वजह से गरीब घरों के बच्चे खेतों में काम करने के लिए मजबूर हैं। वो दिन भर काम करते हैं, उनके मुंह से प्रोटीन युक्त खाने का निवाला भी छिन गया है। का महीना भर हे तू काय करून राहिली आता? किती पैसे भेटतात तुला याच्यात? शंभर दोनशे रोज येते का तू? केंद्र सरकार का दावा है कि कम से कम 950 करोड़ बच्चों को वित्तीय सहायता दी गई है, उन्हें मिड डे मील की जगह अनाज और दालें दी गई हैं। लेकिन इन बच्चों के माता पिता गरीबी रेखा के नीचे बसर करते हैं, लिहाजा उन्हें नमक मसालों और ईंधन के इंतजाम के लिए अपने बच्चों को काम पर झोंकना पड़ रहा है। माझा मुलगा 6वी मध्ये शिकत आहे। लॉकडाऊनच्या ज्यातनी अशी घाणघबर चालत होती, पण तेवढ्यानं काही भागत नव्हतं तर लेकराला आणा लागू राहिलं शाळेमध्ये वावरात। शाळेत काय काय मिळतं? गहू, तांदूळ, मसुरीची डाळ आणि हरभरे। तेवढ्यानं काही भागत नव्हतं तर मग आता लेकराला आणावं लागते कापूस याच्या। ये सिर्फ महाराष्ट्र का ही हाल नहीं है, देश के तमाम हिस्सों में कुछ ऐसे ही हालात हैं। बच्चों की क्लास नहीं चल रही, तमाम छात्र आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों से आते हैं, सड़क पर रेहड़ी पटरी लगाकर जिंदगी बसर कर रहे हैं। घर में खाने को कोरोना की वजह से खाने को कुछ नहीं है, इसलिए हम दुकान लगा रहे, दुकान लगा के रात के खा रहे। स्कूल बंद है ना। कितने का बेचती भाई बता, कितने का बेचेगी? सड़क किनारे दिए और मिट्टी के बर्तन बेच रही 4 साल की ये बच्ची अपनी दादी की मदद कर रही है। इसके परिवार को मिड डे मील के कोटे से राशन मिलता है। मिला ना मिलता उसको अनाज, कपड़े मिले थे, चावल मिले, दाल चावल, गेहूं। कोरोना काल से पहले और इस दौर के बीच बच्चों की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। इन्हें भरपूर पौष्टिक खाना नहीं मिलता, जब स्कूल खुले थे तब इन्हें मिड डे मील मिलता था। मिड डे मील यानी दुनिया में बच्चों तक पौष्टिक आहार पहुंचाने की सबसे बड़ी योजना। मिड डे मील योजना ने दुनिया भर के देशों का ध्यान अपनी तरफ खींचा था। मिड डे मील योजना में देश के 11,59,00,000 बच्चे रजिस्टर्ड हैं। देश के 10,14,000 स्कूलों में मिड डे मील दिया जाता है, जिसमें हर बच्चे को 450 से 750 कैलोरी का पौष्टिक खाना दिया जाता है। मिड डे मील योजना ने गरीबी के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में अहम योगदान किया, लेकिन जो योजना बच्चों के लिए थी, अब वो पूरे परिवार के जीवन यापन का जरिया बनी हुई है। लेकिन तमाम परिवारों ने शिकायत की है कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में राशन नहीं मिलता। महीना भर तो नहीं पूरता सर, एक ही हफ्ता मिलता है हमारे को, एक ही हफ्ते में पूरा राशन खलास हो जाता है।
पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक देश भर में मिड डे मील का यही हाल है। ये नजारा झारखंड के पलामू का है। बच्चे रोजाना के पौष्टिक भोजन से दूर हैं। राशन भी इन्हें पर्याप्त रूप से नहीं मिल पा रहा। बंदी में मिला है चावल? ना, नहीं मिला। नहीं मिला है? नहीं। पैसा मिला है? पैसा भी नहीं मिला? नहीं। पंजाब में भी कुछ यही हाल है। मिड डे मील के लाभार्थियों का कहना है कि उन्हें पोषण के लिए पर्याप्त अनाज बिल्कुल भी नहीं मिलता। कले चावल कणक नाल तो नहीं गुजारा होंगे, होर भी सानू चीजा चाहिदियां ने, जिवें कि दुध वगैरा, होर बहुत चीजा हुंदियां बच्चें दे खान पीन आलियां, सानू ओह सारियां चाहिदियां। कले चावलां नाल ते ओहदे नाल तां नहीं हुंदा बच्चें दा। देश के तमाम बच्चों के लिए अच्छे खाने का मतलब तभी तक था जब तक वो स्कूल में थे, लेकिन महामारी ने उन्हें उनके मनपसंद भोजन से महरूम कर दिया। आज तक ब्यूरो। और अब बात राजधानी में कोरोना मामलों की। जी हाँ, बढ़ते हुए कोरोना मामलों ने दिल्ली सरकार के छक्के छुड़ा दिए हैं। बेतहाशा बढ़ रहे हैं दिल्ली में मामले। ऐसे में सरकार अपनी तरफ से तमाम कोशिशों का दावा कर रही है, केंद्र सरकार मदद कर रही है, लेकिन इन सब के बीच तलवार लटक रही है और ज्यादा पाबंदियों की दिल्ली वालों पर। कम्युनिटी ट्रांसफर समझिए या न समझिए, मतलब की बात सिर्फ इतनी है कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण का खतरा खतरनाक स्तर पर है। हालात और संक्रमण के हालिया उछाल ने सरकार और स्वास्थ्य से जुड़ी तमाम एजेंसियों के पसीने छुड़ा दिए। रोजाना नए संक्रमण और कोरोना से होने वाली मौत के आंकड़े पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार ने पाबंदियों की नई लिस्ट तैयार की है और इसे केंद्रीय गृह मंत्रालय की मंजूरी भी मिल गई है। हालांकि लोगों की घबराहट को देखते हुए दिल्ली सरकार ने पाबंदियों को लॉकडाउन का नाम नहीं दिया। दिल्ली में अब शादी समारोह में सिर्फ 50 लोगों को शामिल होने की इजाजत दी है। अनलॉक में ये सीमा 200 कर दी गई थी। कंटेनमेंट जोन को जरूरत के हिसाब से पूरी तरह सील किया जा सकता है। कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन पाए जाने पर बाजार बंद किए जा सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली हाईकोर्ट ने घाटों पर छठ पूजा की इजाजत नहीं दी। छठ पूजा को ना, इसको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। एक पॉन्ड में 50-100 लोग इकट्ठे खड़े होते हैं और पानी, जैसे 50-100 में से अगर 5 लोग पॉजिटिव हैं तो 100 में से जो बाकी 95 वो भी पॉजिटिव हो जाएंगे, तो इसके फैलने का बहुत डर है। राजधानी में ये नौबत कैसे आई, इसके लिए आंकड़ों पर गौर करना होगा। लॉकडाउन खत्म होने के बाद 4 महीनों तक दिल्ली में कोरोना संक्रमण के आंकड़े कई बार घटे और बढ़े, लेकिन अक्टूबर के आखिरी हफ्ते से रफ्तार पकड़ने के बाद कोरोना वायरस ने जो खतरनाक शक्ल अख्तियार की वो अब तक नहीं देखी गई थी। 10 नवंबर को दिल्ली में 7,830 नए मरीज दर्ज हुए, जबकि 83 लोगों की मौत हो गई। 11 नवंबर को नए मरीजों का अब तक का सबसे ज्यादा आंकड़ा 8,593 पर दर्ज हुआ, जबकि 12 नवंबर को दिल्ली में कोरोना से मौत का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा 104 दर्ज हुआ। 13 और 14 नवंबर को नए मरीजों का आंकड़ा 7,000 से ऊपर रहा, जबकि मौत का आंकड़ा भी 90 से ऊपर रहा। 15 और 16 नवंबर को मरीजों की तादाद 3,000 के आसपास हो गई, लेकिन मौत का आंकड़ा 90 से ऊपर ही रहा। यानी मंगलवार को फिर से नए मरीजों की तादाद 6,000 से ऊपर और मौत का आंकड़ा 99 दर्ज हुआ। होम आइसोलेशन में ही लोगों को ठीक हो रहे हैं, 26,000 लोग बहुत अच्छे से होम आइसोलेशन में रह रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास में अभी 16,000 के करीब बेड्स हैं, जिनमें से 50% खाली हैं, जो कोविड बेड्स हैं। इसके अलावा आईसीयू हैं, आईसीयू करीब 90% ऑक्यूपाई हो गए थे और हमें चिंता हुई थी कि अब इसको क्या करना है। तो बहुत अच्छे से प्रीएम्प्ट करते हुए मुख्यमंत्री जी ने केंद्र सरकार से बात की और केंद्र सरकार हैज बीन काइंड एनफ कि वो हमें अब 750 बेड्स आने वाले समय में देंगे। ऐसे हालात के बीच भी दिल्ली में राजनीति की गुंजाइश बनी हुई है। बीजेपी केजरीवाल सरकार पर कोरोना से निपटने में लापरवाही बरतने का ठीकरा भी फोड़ रही है। दूसरी ओर छठ पूजा पर पाबंदी को लेकर भी दिल्ली सरकार को ही घेर रही है। आपके साप्ताहिक बाजार खुले हैं, आपके आप स्वयं अभी अभी वेडनेसडे को सारे रेस्टोरेंट 24/7 खोलने की अनुमति दे रहे हो और छठ को बैन कर दे रहे हो, बोल रहे हो छत पे छठ करो। अरे भैया, छठ घाटों को स्वच्छ करके छठ होता है, जल के किनारे छठ होता है, छत पे छठ नहीं होता है। आप मुझे बता दीजिए कि कब केंद्र की गाइडलाइन से अलग जाके हमने फैसला लिया है, एक उदाहरण आप दे दीजिए मुझे।
ये कोरोना का एक संकट काल है, इसमें कोऑर्डिनेशन के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन इनको हर चीज में सिर्फ और सिर्फ राजनीति खोजनी है ये अच्छी बात नहीं। सियासत अपनी जगह है, लेकिन दिल्ली वालों को ये बात अच्छे से समझनी होगी कि कोरोना से बचाव की उनकी ढाल कमजोर पड़ने लगी। महामारी से अगर बचना है तो 2 गज की दूरी और मास्क के मंत्र को 100% ही अपनाना होगा। दिल्ली से पंकज जैन और आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली में जो रहते हैं लगभग सभी लोग जान रहे हैं कि दिल्ली में कोरोना के मामले किस तरह से बेतहाशा बढ़ रहे हैं, बावजूद इसके लापरवाही दिख रही है बाजारों में, सड़कों पर। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों पर पहुंचे हैं रियलिटी चेक के लिए, देखिए। आंकड़े बता रहे हैं कि त्योहार की सीजन में दिल्ली वालों ने कोरोना को काफी हल्के में लिया। पानी नाक से ऊपर जाता दिखा तो दिल्ली सरकार एक्शन में आ गई। भीड़ भाड़ वाले बाजारों में कोरोना प्रोटोकॉल सख्ती से लागू करने के लिए पुलिस तैनात हो गई है। बिना मास्क के घूमने वालों के मौके पर ही चालान काटे जा रहे हैं। तस्वीर हम आपको दिखाएं सदर बाजार से। मध्य दिल्ली के बीच ये इलाका पुरानी दिल्ली को जोड़ता है और त्योहारी मौसम बीतने के बाद भी बाजारों की जो भीड़ है वो खत्म नहीं हुई है। भीड़ इस कदर है इसे पता चलता कि सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ नाम मात्र की है, लेकिन व्यवस्था यहाँ पर है। लोग अगर आ जा रहे हैं तो व्यवस्था भी है। सबसे पहले पुलिस की ओर से व्यवस्था दिखाते हैं। इस तरफ दिल्ली पुलिस के जो हैं जवान वो यहाँ पर हैं। यहाँ पर जो लोग हैं जो नियम तोड़ते हैं उन्हें पकड़ के लाया जाता है और उनका चालान किया जाता है। 500 रुपए का चालान है मास्क न पहनने वालों पर, उनका यहाँ चालान होता है। 20-25 चालान हम रोज कर रहे हूँ, मैं खुद कर रहा हूँ, हमारे से और हैं तो कई टीमें लगी हुई हैं यहाँ पर। अवेयरनेस की कमी दिखाई देती है लोगों में, कमी है अभी, कमी है। जब आप समझाते हैं कि इतने बड़े मार्केट में आ रहे हैं, भीड़ में आ रहे हैं, जिसका नाक खुला होता है उसको हम वार्निंग देके उसको समझा देते हैं। सदर बाजार इलाके में भीड़ भाड़ को देखते हुए दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य विभाग की टीमें तैनात कर दी हैं। बाजार आने वालों का मौके पर ही रैंडम टेस्ट किया जा रहा है। एंटीजन और RT-PCR दोनों तरह के टेस्ट के लिए सैंपल जमा कराए जा रहे हैं। लॉकडाउन के बाद लड़खड़ाई अर्थव्यवस्था का तकाजा था कि बाजार खोल दिए गए, लेकिन दिल्ली के बाजारों का हाल देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि यहां कोरोना संक्रमण के हालात इतने खतरनाक हो चुके हैं। एक दूसरे से 6 फुट का डिस्टेंस बनाकर रखना है, आपको मास्क पहन के रखना है, उस सबको मानने से लोग साफ तौर पे कतरा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मास्क को नाक और मुंह ढकने की बजाय आधे ऊपर झुका हुआ है, लोगों की भीड़ यहाँ पर जमी हुई है। हमारे पीछे अगर आप देखें तो जलेबी वाला जो सबसे बहुत फेमस दुकान है यहाँ पे लोगों की भीड़ जमी हुई है जलेबी खाने के लिए। दरियागंज, चांदनी चौक, करोलबाग जैसे दिल्ली के तमाम मुख्य बाजारों में यही तस्वीर दिखाई दे रही है। संकरी गलियों में लोगों की रेलम पेल मची है, कोरोना को लेकर भरपूर बेफिक्री। लेकिन दिल्ली वालों की इसी बेफिक्री ने केजरीवाल सरकार की नींद उड़ा दी है। यही वजह है कि राजधानी में एक बार फिर से पाबंदियों की नई किश्त आने वाली है। अब इसे लॉकडाउन कहें या फिर कुछ और। दिल्ली से अनिशा माथुर और आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली में छठ पर हो रही सियासत के बीच नोएडा में भी कोरोना को लेकर अलर्ट हो गया है, क्योंकि जो परिस्थितियां हैं खास तौर पर सीमा जहां से दिल्ली और नोएडा में लोग आर पार जाते हैं, कई जगहों पर तो रैंडम कोरोना के टेस्ट भी किए जा रहे हैं। काश कि दिल्ली वाले कोरोना से लापरवाह ना होते तो ऐसी तस्वीरें कतई नहीं दिखती। काश कि दिल्ली वालों ने कोरोना के नियमों को माना होता तो ऐसे हालात नहीं बनते। काश कि बाजारों में 2 गज की दूरी होती और लोग मास्क पहनते तो ऐसा खौफ नहीं होता। जब कोरोना की मार से तड़प उठी दिल्ली, सहम गई दिल्ली, खौफ ज्यादा हो गई दिल्ली, तो उसका डर विस्तारित हो गया। नोएडा वालों के जहन में भी कोरोना के पसर जाने की चिंता सताई, और चिंता सताई तो जिले के सबसे बड़े अधिकारी ने आदेश दिया कि दिल्ली से आने वालों का रैंडम कोरोना टेस्ट होगा। ये वही कवायद है। टेस्टिंग किस तरीके से की जा रही है, गाड़ियां आ रही हैं, गाड़ियों को रोका जा रहा है,
खास तौर पर उन गाड़ियों को जिसमें दो से ज्यादा लोग एक साथ चल रहे हैं, उन लोगों को यहाँ पर लाया जाता है जहाँ पर बैठी है टीम, जो मेडिकल टीम है वो टीम यहाँ पर तमाम प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सारी चीजें, सारी जानकारी वो लेती है और उसके बाद यहाँ पर सैंपल लिया जाता है। किस तरीके से आप लोग सैंपलिंग कर रही हैं यहाँ पे? सर है ना, कोविड की रैपिड एंटीजन कार्ड टेस्ट हो रही है, नेजल से सैंपल लिया जाता है, इसका रिजल्ट इसका 15 मिनट में आ जाता है। नोएडा की सीमाएं जहाँ जहाँ भी दिल्ली से लगती है वहाँ वहाँ से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। हर सीमा पर नोएडा की मेडिकल टीम मुस्तैद थी और जांच कर रही थी। ये एक्शन प्लान इसलिए बना क्योंकि दिल्ली में कोरोना बेलगाम है और वो नोएडा में भी कहर ना बर पाए, इसलिए नियम बनाए गए कि नोएडा से सटे सभी बॉर्डर पर रैंडम टेस्ट होंगे। डीएनडी और चिल्ला इलाके में टीम तैनात की गई है। ये टीम आने जाने वालों का रैंडम टेस्ट करेगी। एक से ज्यादा संक्रमित मिलने पर इलाके को माइक्रो कंटेनमेंट जोन में बदला जाएगा। टारगेट सैंपलिंग का प्लान तैयार किया गया है। डिलीवरी बॉय, दुकानदार और रिक्शा चालकों के भी टेस्ट होंगे। नोएडा में मौजूद सभी संस्थानों को भी निर्देश दिए गए हैं कि लोगों पर नजर रखें, लक्षण वाले मरीजों की पहचान जल्दी सुनिश्चित करें और इलाज की व्यवस्था करें। जो टारगेट ग्रुप्स, किसी दिन रिक्शा चलाने वाले, किसी दिन डिलीवरी बॉयज की, किसी दिन ब्यूटी पार्लर्स की, किसी दिन दुकानदारों की, जहां लोगों की आवागमन रहती है, तो उन सारे लोगों की भी सैंपलिंग करने से एक आइडिया भी लगती है कि कहां कहां संक्रमण है और जो संक्रमण है उसको आइसोलेट करने के लिए भी मददगार होगी। फैसले के मुताबिक दिल्ली से आने वालों पर रोक नहीं है। नोएडा प्रशासन उनमें से कुछ लोगों की रैंडम सैंपलिंग कर रहा है, यानी चुनिंदा लोगों की जांच की जा रही है, एंटीजन टेस्ट किए जा रहे हैं। कोई दिल्ली का रहने वाला है वो पॉजिटिव पाया जाता है डॉक्टर ओहरी, तो क्या उसके लिए व्यवस्था है? आप क्या प्रशासन से वहाँ संपर्क में है? सर वो दिल्ली जाएगा और दिल्ली ही भेजा जाएगा, वहाँ पर जाके होम आइसोलेशन या जैसा भी उसकी कंडीशन रेफर करेगी वो काम। तो क्या वहाँ के प्रशासन से आपने संपर्क किया है या एक कोऑर्डिनेटेड है या आपने अपनी तरफ से? कोऑर्डिनेटेड है, हमारी तरफ से है, ये कोऑर्डिनेटेड भी है। कोई एसडीएम साहब हमारे यहाँ यही है और प्रशासन से भी संबंध रख रहे हैं वो। एहतियात के तौर पर उठाए गए ये कदम जरूरी इसलिए भी है क्योंकि त्योहार के दिनों में लोगों की आवाजाही और बढ़ी है। इस समय नोएडा में 1200 से ज्यादा एक्टिव केस है। रैंडम सैंपलिंग के जरिए प्रशासन की कोशिश है कि ज्यादा जांच कर संकट को किसी तरह बढ़ने से रोका जाए। तनुश्री पांडे और भूपेंद्र चौधरी के साथ कुमार कुणाल, नोएडा आज तक। बढ़ रहे हैं दिल्ली में कोरोना के मामले, नोएडा में अलर्ट है, लेकिन इधर दिल्ली सरकार भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद कई अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच बीजेपी का कहना है कि वक्त रहते काबू में क्यों नहीं लाए कोरोना के मामलों को। दिल्ली के नीति नियंताओं की नींद उड़ी हुई है, कोरोना ने ऐसा मारा है कि कराह रही है दिल्ली। नीति नियंताओं को समझ नहीं आ रहा कि कोरोना की इस भयानक महामारी से पार कैसे पाया जाए, कोरोना को कैसे हराया जाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इसी कड़ी में दिल्ली के बड़े अस्पतालों में से एक जीटीबी अस्पताल पहुंचे, ये देखने के लिए कि हालात कैसे हैं, ये कहने के लिए कि आईसीयू में बेड बढ़ाए जाएं। दिल्ली सरकार के जितने हॉस्पिटल्स हैं उनमें हमें उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों के अंदर 663 आईसीयू बेड्स टोटल, जो 238 जीटीबी के हैं वो मिला के 663 आईसीयू बेड्स हम लोग अगले कुछ दिनों में बढ़ा देंगे। तो हालात बिगड़ गए हैं और बहुत भयानक बिगड़े हुए हैं, इसीलिए मुख्यमंत्री केजरीवाल खुद ही हालातों को संभालने में लगे हुए हैं। लेकिन बीजेपी को लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने देर कर दी, उन्होंने समय रहते किसी तरह के कोई इंतजाम नहीं किए। ये दोगलापन क्यों है? Why this is double standard? मैं यही तो बात बोल रहा हूं ना। अरविंद केजरीवाल को कल भी ईस्ट दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर ने घेरा था। उन्होंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल को गृह मंत्री अमित शाह की याद तभी आती है जब पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगता है।
लोगों के पास कोई तरीका नहीं था कि कहां पर अपना इलाज कराएं। तब भी उनको गृह मंत्री जी की याद आई जब डीआरडीओ ने सबसे बड़ा कोविड सेंटर बनाया, और अब जब फिर पानी सर के ऊपर से गया तो फिर गृह मंत्री जी की याद आ गई कि अब हमारी मदद करिए, और सीधा गृह मंत्री जी ने क्या 70 डॉक्टर और कितनी नर्सेज अपॉइंट किया दिल्ली में। बीजेपी के सांसदों ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोला तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री सामने आए। उन्होंने कोरोना के इस संकट काल में आरोपों की इस राजनीति को खारिज कर दिया। बोले अभी ऐसी राजनीति करने का वक्त नहीं है। देखो, भारतीय जनता पार्टी को इस तरह की मतलब कोरोना के संकट में इस तरह की राजनीति करना शोभा नहीं देता है। इस तरह की राजनीति थोड़ी सी ओछी राजनीति लगती है। मैं एक नागरिक के रूप में, एक गवर्नमेंट के रूप में यही कहना चाहूंगा कि इस समय कोविड है। दिल्ली में कोरोना से हालात बिगड़ने लगे हैं, अस्पतालों में बेड भर गए हैं, संक्रमण का दायरा बढ़ता जा रहा है। माना जा रहा है कि दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर बेहद खतरनाक है, मगर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर नहीं है। हालांकि सत्येंद्र जैन के इस बयान पर बीजेपी फिर बिफर पड़ी। बीजेपी की ओर से स्वास्थ्य मंत्री को फिर करारा जवाब दिया गया। तीन दिन से सत्येंद्र जैन कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर तीसरी लहर खत्म हो चुकी है, लेकिन झूठ और झूठ के अलावा कुछ नहीं है। इनका अपना दस्तावेज जो कि मैंने ट्वीट भी किया और आपके चैनल को दिया भी है, जिसमें साफ लिखा है, अब दिल्ली सरकार का दस्तावेज है जिसमें लिखा है कि कोरोना की जो तीसरी लहर है वो अभी नहीं, लास्ट वीक ऑफ नवंबर या फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में आएगी। तो दिल्ली में जितनी तेज कोरोना की रफ्तार है उससे कहीं ज्यादा तेज है कोरोना पर राजनीति। वार पलटवार का दौर जारी है और साथ में जारी है कोरोना की मार। राम किंकर सिंह के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।